मानो या ना मानो, हिंदुस्तान के कोने कोने में शिवलिंग की पूजा की जाती है, मगर आज हम आपको एक ऐसे शिवलिंग के बारे में बताएंगे जिसके प्रभाव से मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं। दोस्तों, वैसे तो मृत्यु के बाद किसी का शरीर में वापस लौटना असंभव होता है, मगर कुछ ऐसे चमत्कार भी होते हैं जो अपवाद बन जाते हैं। जन्म और मृत्यु सब ईश्वर के हाथ में है, और अगर ईश्वर चाहें तो वो मुर्दे को भी जिंदा कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि ये शिवलिंग आखिर है कहाँ पर। देहरादून से 135 किलोमीटर की दूरी पर लाखा मंडल नाम का स्थान यमुना नदी के तट पर स्थित है। इस जगह की जब खुदाई की गई थी तब यहाँ से ढेर सारा शिवलिंग निकला था। इस स्थान के बारे में ऐसी मान्यता है कि पांडवों को जलाए जाने के लिए जिस लाक्षगृह का निर्माण किया गया था वो इसी स्थान पर था। अपने अज्ञातवास के दौरान युधिष्ठिर ने यहीं पर शिवलिंग की स्थापना की थी। यहाँ के बारे में ये भी मान्यता है कि यहाँ पर अगर मुर्दों को लाकर रखा जाए तो वो कुछ पल के लिए जीवित हो जाते हैं। होश में आने के बाद वो सिर्फ भगवान का नाम लेते हैं, और जब उन्हें गंगा जल दिया जाता है तो उनकी आत्मा फिर से उनका शरीर छोड़कर चली जाती है। ये घटना क्यों होती है और कैसे होती है, ये सिर्फ एक रहस्य मात्र है। यहाँ के बारे में एक और बात प्रचलित है कि जिन दंपतियों को संतान प्राप्त नहीं होती है, वो अगर यहाँ आकर पूजा करें तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। साथ ही यहाँ पर मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, इसके बारे में अपने कमेंट जरूर लिखें। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल मानो या ना मानो को सब्सक्राइब कीजिए, तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, इसी तरह की अविश्वसनीय अकल्पनीय मान्यताओं और कहानियों के लिए देखते रहिए मानो या ना मानो।